मैं सुबह के यहाँ की व्यू दिखा रहा हूँ। सामने देखिए कितने घने घने बादल इसमें छाए हुए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नेपाल टूर का एक न्यू ब्लॉग में। और ये मेरा नेपाल टूर का ये तीसरा एपिसोड है और हम इस एपिसोड में आपको ले चलेंगे पोखरा से नखलाऊ भुटवल से होते हुए। तो दोस्तों, हम इस समय पोखरा से 6 बजे सुबह निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं भारत बॉर्डर की ओर, भुटवल की ओर होते हुए। तो सामने आपको देखिए बादल बिल्कुल सामने पहाड़ों के नीचे दिखाई पड़ रहे होंगे, काफ़ी अल्टीमेट व्यू है यहाँ के। तो मेरे साथ पूरी पहाड़ी आप देखते रहिए। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि पोखरा से नेपाल बॉर्डर जो हमें जाना है 180 किलोमीटर की जर्नी तय करनी है। नेपाल का पकौड़ा। तो दोस्तों, भारत बॉर्डर सोनारी से अगर आप काठमांडू आना चाहते हैं तो बाया पोखरा आ सकते हैं या फिर आप नारायणगढ़ होते हुए आ सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि पोखरा से सोनाली बॉर्डर माने भारत बॉर्डर की ओर कैसे व्यू हैं, कैसी रोड कंडीशन है, और इसको हम पूरे इस ब्लॉग में दिखाने वाले हैं आपको। तो दोस्तों, नेपाल टूर के पहले पार्ट में मैंने आपको सोनाली बॉर्डर से नारायण घाट वाली रोड को दिखाया था, जो कि काफ़ी ख़राब रोड थी, क्योंकि नवनिर्मित रोडें हैं, अभी वहाँ काम चल रहा है, इसलिए काफ़ी ख़राब रोड है। देखते हैं पोखरा से जो सोनाली बॉर्डर वाले भारत बॉर्डर की ओर रोड जा रही है, इस पे कैसे हुई है, रोड की कंडीशन क्या है, पूरे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखकर और नेपाल टूर का पहला पार्ट देखकर आप तय कर सकते हैं कि आपको काठमांडू किस रोड से जाना है। सामने पहाड़ी के देखिए कितने खूबसूरत भी दिखा रहे हैं, बादल बिल्कुल पहाड़ों के बीच में घुसा हुआ आपको नज़र आ रहा है। तो अभी तक जो रोड की कंडीशन थी काफ़ी अच्छी कंडीशन है और जो 180 किलोमीटर हमें जर्नी तय करनी है, देखते कितने घंटे हमें लगेगा। ताली बजा रहे हैं। इस समय नेपाल के 9 बजे हुए हैं। यहाँ से सिंधौली बॉर्डर लगभग 120 किलोमीटर बचा हुआ है। क्या नज़ारे हैं देखिए आप, यहाँ के घर बहुत सुंदर बने हुए हैं। नेपाल का बालिंग कस्बा है ये। नहीं आएगा, अभी उतर रही है, फिर चढ़ेगी।
रामदी 3 किलोमीटर दीदी अगर देखा जाए तो ज़्यादा दूरी ना हो। ये सामने आपको काली गंडकी नदी नज़र आ रही होगी और इस समय हम आपको यहाँ के व्यू दिखाते हुए मुटवल की ओर जा रहे हैं और ये पूरी पहाड़ी होते हुए रास्ता गुजरता है। क्या खूबसूरत अल्टीमेट आपको इस समय व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ये पूरी नेपाल टूर सीरीज अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा कि आपको नेपाल टूर सीरीज आपको कैसे लगी। दोस्तों अगर आप काठमांडू जाना चाहते हैं तो आप मुटवल से आप नारायण घाट होकर जाना चाहते हैं या फिर आप मुटवल से पोखरा होते हुए काठमांडू जाना चाहते हैं तो आपको इस सीरीज देकर आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों पोखरा से मुटवल के बीच में कोई खास आपको रास्ते में खाने पीने की वस्तुएँ नहीं मिलने वाली है, इसलिए आप पोखरा से आप खा पी कर ही भुटवल की ओर निकलिए। अगर आप भुटवल से पोखरा की ओर जा रहे हैं तो आप भुटवल में नाश्ता करके ही आप पोखरा की ओर निकलिएगा क्योंकि रास्ते में कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। तो इसमें हम भुटवल शहर पहुंच चुके हैं, काफ़ी लंबा रास्ता है भुटवल शहर का। भुटवल से लुम्बिनी की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है। अगर आप लुम्बिनी विजिट करना चाहते हैं तो आप भुटवल से जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने अलग से आपको एक वीडियो बनाया है जिसमें हम आपको पूरा लुम्बिनी विजिट कराएंगे, तो वो एपिसोड देखना मत भूलिएगा। तो यहाँ से 25 किलोमीटर रह गया है इंडिया बॉर्डर और कुछ ही देर में हम प्रवेश कर जाएंगे इंडिया बॉर्डर में। कागज देख लिए, कह रहा आ गया, प्रस्थान करिए। Thank you.
वुमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। नेपाल के 3 बजे हुए हैं। ये नेपाल यात्रा का मेरा अंतिम शौक है। फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो अवश्य करिएगा। तो दोस्तों लखनऊ शहर पहुंच चुके हैं और हम ये वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।